आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीएम मोदी से की अपील, बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव आयुक्त से चुनाव टालने की अपील। हाईकोर्ट ने कहा, राजनीतिक पार्टियों को चुनाव प्रचार, प्रधानमंत्री चुनाव टालने पर करे विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीएम मोदी से की अपील, चुनाव आयुक्त से चुनाव टालने की अपील की गई। हाईकोर्ट ने कहा, राजनीतिक पार्टियां लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं, प्रधानमंत्री चुनाव टालने पर करे विचार। बड़ी खबर सामने आ रही है इलाहाबाद हाईकोर्ट से, जहां पीएम मोदी से अपील की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीएम मोदी से अपील की है, चुनाव आयुक्त से चुनाव टालने की अपील की गई है। लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर यह अपील की गई है और हाईकोर्ट का कहना है कि राजनीतिक पार्टियां लगातार चुनाव प्रचार कर रही है, इससे कोरोना के खतरे बढ़ने की संभावना है और जिस तरह से ओमिक्रोन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इससे तीसरी लहर की संभावना भी जताई जा रही है। सब तमाम चीजों को देखते हुए अब चुनाव आयुक्त से चुनाव टालने की अपील की गई है। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीएम मोदी से अपील की है, पीएम से अपील की है, चुनाव को टालने की अपील की गई है, प्रधानमंत्री चुनाव टालने पर करें विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीएम मोदी से की अपील, चुनाव आयुक्त से चुनाव टालने की अपील की गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह अपील की गई है। आपको बता दें कि लगातार राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार कर रही हैं और अभी कुछ दिन पहले, यानी बीते एक दो दिन पहले, अखिलेश यादव की परिवार में भी कोरोना संक्रमण पाया गया है, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनकी पत्नी और बेटी, और वो भी आइसोलेशन में, यानी कि अखिलेश यादव भी आइसोलेशन में है। लगातार चुनाव प्रचार चल रहा है, लाखों लोगों की भीड़ जमा होती है इन चुनाव प्रचार में और कोरोना का खतरा भी बना हुआ है, जिसकी वजह से अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये बड़ा फैसला लिया है, अपील की है, चुनाव टालने की अपील की गई है, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। उन्नाव में भीषण सड़क हादसा, बड़ी खबर सामने आ रही है। पेट्रोल पंप किनारे खड़े ट्रक में घुसी रोडवेज बस। कानपुर से लखनऊ जाते समय हुआ हादसा, हादसे में कई सवारियां गंभीर रूप से घायल। नशे में धुत होकर ड्राइवर कर रहा था चालक, नेशनल हाईवे पर एक्सीडेंट से जाम की स्थिति। उन्नाव में भीषण सड़क हादसा हुआ है, पेट्रोल पंप किनारे खड़े ट्रक में घुसी रोडवेज बस। कानपुर से लखनऊ जाते समय हुआ हादसा, हादसे में कई सवारियां घायल, नशे में धुत ड्राइवर चला रहा था बस, नेशनल हाईवे पर एक्सीडेंट से जाम की स्थिति। उन्नाव में भीषण सड़क हादसा हुआ है, पेट्रोल पंप किनारे खड़े ट्रक में घुसी रोडवेज बस। इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता चैतन्य जुड़ चुके हैं। चैतन्य, क्या ड्राइवर नशे की हालत में था जब वो बस चला रहा था? मैम, बताना चाहूंगा सबसे पहले कि पूरा मामला जो है सोरामऊ थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप के पास का बताया जा रहा है, और पेट्रोल पंप के किनारे जो एक ट्रक खड़ा हुआ था उसमें जाके रोडवेज की बस घुस जाती है, तो कहीं ना कहीं जो बस चालक की इसमें गलती सामने आ रही है, क्योंकि हादसे में एक दर्जन के ऊपर सवारी घायल हो गई है और यात्रियों का आरोप है कि जो ड्राइवर था वो नशे की हालत में था। जी, कम से कम कितने लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं? अभी जहां तक सीएससी में जिन लोगों को भेजा गया है उसमें से करीबन आधा दर्जन जो लोग थे वो घायल हुए हैं, जो गंभीर हालत में थे जिनको रेफर किया गया है, और हादसे में एक दर्जन सवारियां जो है वो घायल हुई हैं। जी, कुल कितनी सवारी बस में मौजूद थी और कितने बजे का ये मामला बताया जा रहा है? करीबन इसमें आधा सैकड़ा सवारियां मौजूद थी, लेकिन जो गंभीर रूप से घायल होने की सवारियों के बात सामने आ रही है उसमें आधा दर्जन के आसपास लोग घायल हुए और एक दर्जन सवारियां जो है वो गंभीर रूप से घायल हुई है। जी, ड्राइवर की हालत इस वक्त कैसी है चैतन्य? ड्राइवर को जो उसके बाद का जो प्रकरण है उसके बाद ड्राइवर को जो है हिरासत में पुलिस ने ले लिया था और उसके बाद उनसे पूछताछ की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता चैतन्य जुड़े थे। सीएम योगी से मिले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी,
69,000 सहायक शिक्षा भर्ती का मामला। सीएम ने बेसिक शिक्षा विभाग को दिए निर्देश। आरक्षण की विसंगति को लेकर की मुलाकात। न्याय संगत समाधान के दिए गए निर्देश। सीएम योगी से मिले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी। 69,000 सहायक शिक्षा भर्ती का मामला। सीएम ने बेसिक शिक्षा विभाग को दिए निर्देश। आरक्षण की विसंगति को लेकर की मुलाकात। न्याय संगत समाधान के दिए गए निर्देश। बड़ी खबर सामने आ रही है, सीएम योगी से मिले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी। 69,000 सहायक शिक्षा भर्ती का मामला। सीएम ने बेसिक शिक्षा विभाग को दिए निर्देश। आरक्षण की विसंगति को लेकर की मुलाकात। न्याय संगत समाधान के दिए गए निर्देश। सीएम योगी का अयोध्या दौरा, बड़ी खबर सामने आ रही है। रामलला हनुमानगढ़ी का करेंगे दर्शन। छावनी में बने सत्संग भवन का करेंगे उद्घाटन। आयुष अस्पतालों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। कार्यक्रम में आयुष राज्य मंत्री धर्म सिंह सैनी भी रहेंगे मौजूद। सीएम योगी का अयोध्या दौरा, बड़ी खबर सामने आ रही है। रामलला हनुमानगढ़ी का करेंगे दर्शन। छावनी में बने सत्संग भवन का करेंगे उद्घाटन। प्रदेश स्तरीय आयुष मेले का भी करेंगे उद्घाटन। आयुष अस्पतालों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। कार्यक्रम में आयुष राज्य मंत्री धर्म सिंह सैनी भी रहेंगे मौजूद। सीएम योगी का अयोध्या दौरा, बड़ी खबर सामने आ रही है। रामलला हनुमानगढ़ी का करेंगे दर्शन। छावनी में बने सत्संग भवन का करेंगे उद्घाटन। प्रदेश स्तरीय आयुष मेले का भी करेंगे उद्घाटन। इस खबर पर मैं ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता राघवेंद्र जुड़ चुके अयोध्या से। राघवेंद्र, क्या कुछ सौगात देने वाले हैं सीएम? जी बिल्कुल शिखा, जिस तरीके बताया जा रहा है कि 11 बजे के लगभग ये सीएम योगी आज अयोध्या पहुंचेंगे और अयोध्या पहुंचने के बाद से पहले ये हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन करेंगे, वहां पूजन करेंगे। उसके बाद ये वहां से निकलेंगे, मणिराम दास छावनी जाएंगे, छावनी में सत्संग भवन का ये लोकार्पण करेंगे। उसके बाद ये 50 सैया के अस्पताल हैं जो कि वहां पे उसका लोकार्पण करेंगे। फिर एक 25 सैया का हॉस्पिटल है प्रदेश का जी, उसका लोकार्पण करेंगे। उसके बाद ये लगभग 3 घंटे का इनका पूरा टाइम रहेगा अयोध्या में रुक। 1 बजे के बाद ये पुनः जो है लखनऊ की निकलेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ अयोध्या से संवाददाता जुड़े थे राघवेंद्र। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अधिवक्ता के भाई ने पुलिस पर लगाया आरोप। पुलिस हमारे परिवार को बदनाम कर रही, हमजा। मेरा भाई 5 वक्त का नमाजी था। पीड़ित परिवार ने लगाया आरोप, बड़ी खबर सामने आ रही है। परिवार को बदनाम कर रही पुलिस। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अधिवक्ता के भाई ने पुलिस पर लगाया आरोप। पुलिस हमारे परिवार को बदनाम कर रही, अधिवक्ता के भाई हमजा ने कही ये बात। उन्होंने कहा, मेरे भाई 5 वक्त का नमाजी था। पीड़ित परिवार का आरोप, परिवार को बदनाम कर रही पुलिस। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अधिवक्ता के भाई ने पुलिस पर लगाया आरोप। हमारे परिवार को बदनाम कर रही, अधिवक्ता के भाई हमजा ने कही ये बात। उन्होंने कहा, मेरा भाई 5 वक्त का नमाजी था। पीड़ित परिवार का आरोप, पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। परिवार को बदनाम कर रही पुलिस। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अधिवक्ता के भाई ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप।
पुलिस हमारे परिवार को बदनाम कर रही। तो पीड़ित परिवार ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और अधिवक्ता के भाई ने कहा कि हमारे परिवार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है पुलिस। मेरा भाई 5 वक्त का नमाजी था और जितने भी आरोप लगाए उसको बेबुनियाद ठहराया है और पुलिस पर आरोप लगाया है। पुलिस हमारे परिवार को बदनाम कर रही, अधिवक्ता के भाई ने लगाया पुलिस पर आरोप। अधिवक्ता के भाई ने बताया मेरा भाई 5 वक्त का नमाजी था। बड़ी खबर सामने आ रही है जो लखनऊ से, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, अधिवक्ता के भाई ने लगाया पुलिस पर आरोप। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर पहुंचे मृतक अधिवक्ता के घर, कमिश्नर ने मृतक परिवार से की मुलाकात। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूदखोर का मामला आया सामने, आरोपियों से मांगी जाएगी पुलिस कस्टडी रिमांड, आरोपियों के ऊपर की जाएगी सख्त कार्रवाई। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर पहुंचे मृतक अधिवक्ता के घर, कमिश्नर ने मृतक परिवार से की मुलाकात। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूदखोर का मामला आया सामने, आरोपियों से मांगी जाएगी पुलिस कस्टडी रिमांड, आरोपियों के ऊपर की जाएगी सख्त कार्रवाई। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर पहुंचे मृतक अधिवक्ता के घर, कमिश्नर ने मृतक के परिजनों से की मुलाकात। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूदखोर का मामला आया सामने, आरोपियों से मांगी जाएगी पुलिस कस्टडी रिमांड। स्वतंत्र देव सिंह ने लगाई लताड़, टिकट के दावेदारों को लगाई लताड़, कहा अगर किसी ने नारे लगाए तो समझो उसका टिकट गया। स्वतंत्र देव सिंह ने लगाई लताड़। सीतापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, सीएम योगी 27 दिसंबर को जाएंगे सीतापुर, लहरपुर के अकबरपुर के सूर्यकुंड मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। सीतापुर से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, सीएम योगी 27 दिसंबर को जाएंगे सीतापुर, लहरपुर के अकबरपुर के सूर्यकुंड मंदिर में करेंगे दर्शन। सीतापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, सीएम योगी 27 दिसंबर को जाएंगे सीतापुर, लहरपुर के अकबरपुर के सूर्यकुंड मंदिर में करेंगे दर्शन। सुल्तानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, पूर्व विधायक संतोष पांडे पर मुकदमा दर्ज, भाजपा नेता से हुआ था विवाद, भाजपा नेता जयशंकर त्रिपाठी की तहरीर पर दर्ज हुआ केस। सेमरी पुरुषोत्तमपुर गांव का मामला, सुल्तानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, पूर्व विधायक संतोष पांडे पर मुकदमा दर्ज, भाजपा नेता से हुआ था विवाद, भाजपा नेता जयशंकर त्रिपाठी की तहरीर पर दर्ज हुआ केस। सेमरी पुरुषोत्तमपुर गांव का मामला, केशव प्रसाद मौर्य की रैली का सफल बनाने के लिए भाजपा ने उठाया बड़ा कदम, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष विवेक कुमार मिश्रा को लिया हिरासत में, 2 कांग्रेसियों को पुलिस ने लिया हिरासत में। केशव प्रसाद मौर्य की रैली को सफल बनाने के लिए भाजपा ने उठाया बड़ा कदम, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष विवेक कुमार मिश्रा को लिया हिरासत में, 2 कांग्रेसियों को पुलिस ने लिया हिरासत में। केशव प्रसाद मौर्य की रैली को सफल बनाने की कोशिश में भाजपा ने उठाया बड़ा कदम, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष विवेक कुमार मिश्रा को हिरासत में लिया गया, 2 कांग्रेसियों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया गया। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष विवेक कुमार मिश्रा को हिरासत में लिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीएम मोदी से की अपील,
चुनाव आयुक्त से चुनाव टालने की गई अपील। हाईकोर्ट ने कहा राजनीतिक पार्टियों को चुनाव प्रचार। और इस खबर में मैं सबसे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़े हैं। विभांशु, प्रधानमंत्री और इलेक्शन कमीशन से जो गुहार लगाई है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, क्या वो बढ़ते मामलों के चलते लगाई गई है? जी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले नए वेरिएंट जो है ओमिक्रोन, इसके बढ़ते प्रभाव को लेकर हाईकोर्ट ने चिंता जताई है और न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने प्रधानमंत्री और चुनाव आयुक्त को एक साथ अनुरोध किया है कि विधानसभा चुनाव से कोरोना की तीसरी लहर से जनता के बचाने के लिए राजनीतिक पार्टियों की चुनावी रैली पर रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार दूरदर्शन और समाचार पत्रों के माध्यम से किया जाए। और जो जी, तो क्या चुनाव पे रोक लगेगी? क्या इन्हें कोरोना के बाद करवाया जाएगा, जैसा कि गुहार लगाई गई है इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से टालने का विचार करने की बात कही गई है, तो क्या सच में इस पर विचार किया जाएगा? क्या लगता है आपको विभांशु? जी शिखा, आपको बता दें कि अभी जो इलेक्शन कमीशन को निर्देश और पॉलिटिकल पार्टी और प्रधानमंत्री को निर्देश दिया गया है, उसमें चुनावी सभा और रैलियों को रोकने के कदम उठाए जाने की मांग की गई है। वहीं प्रधानमंत्री चुनाव टालने पर विचार करे, इसको कहा गया है, क्योंकि और साफ तौर पे हाईकोर्ट का कहना है कि क्योंकि जान है तो जहान है। न्यायमूर्ति का साफ तौर पे कहना है कि अभी वो जो भी चुनावी राजनीतिक दल के राजनीतिक रैलियां हो रही है उसमें भीड़ ना हो, इसको देखते हुए समाचार पत्र और टीवी के माध्यम से प्रचार किया जाए। विभांशु, जिस तरह से कोरोना काल में पिछले साल भी डिजिटल माध्यम से रैलियां करी जा रही थी, जनता को संबोधित किया जा रहा था, तो क्या इस बार भी ऐसा नहीं हो सकता है कि जनता की भीड़ इकट्ठा ना करी जाए, दमखम ना दिखाया जाए, डिजिटल माध्यम से जनता के बीच जाया जाए, अपना प्रचार प्रसार किया जाए? जी, आपको बता दें कि पिछली बार बंगाल चुनाव के दौरान दूसरी लहर चल रही थी, मगर वहां पे इलेक्शन कमीशन के रोक के बावजूद और संख्या बल के कम करने के बावजूद भी भीड़ उमड़ जा रही थी। तो अगर इससे बचाव करना है तो साफ तौर से रैली पे पाबंदी लगानी पड़ेगी और कुछ नया पैकड़ा ढूंढना पड़ेगा प्रचार के लिए। जो हाईकोर्ट कह रहा है कि समाचार पत्र और टीवी के माध्यम से प्रचार किया जाए, ऐसे माध्यमों के उपयोग करके और सोशल डिस्टेंसिंग को बनाना पड़ेगा। और वही आपको बता दे कि टीकाकरण अभियान की प्रशंसा भी की है हाईकोर्ट ने और प्रधानमंत्री का तारीफ करते हुए कहा है कि भारत जैसे विशाल देश में कोरोना का मुफ्त टीका अभियान चलाना ये प्रशंसनीय है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली खबर पर बने रहिए हमारे साथ और जानकारी देते रहिए। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, अधिवक्ता के भाई ने पुलिस पर लगाए आरोप। पुलिस हमारे परिवार को बदनाम कर रही, हमजा ने कहा। मेरा भाई 5 वक्त का नमाजी था, अधिवक्ता के भाई ने कही ये बात। पीड़ित परिवार ने लगाया पुलिस पर आरोप। और इस खबर पे भी हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़े हुए हैं। विभांशु, आखिर क्या है पूरा मामला? जी, आपको बता दें कि जो शोएब नामक एक अधिवक्ता है, उनके भाई आज विगत 7 दिनों से गायब थे, तो इसका लेकर उन्होंने पुलिस में सूचना भी दी और सीपी के ऑफिस को घेराव भी किया और ये एक वहां से आश्वासन मिला तो वो बैठ गए। वहां उन्होंने सीपी के ऑफिस पे आज से 3 दिन पहले चेतावनी देते हुए कि अगर मेरा भाई नहीं मिला तो हम विधानसभा के सामने हम तमाम अधिवक्ता प्रदर्शन करेंगे। इसी के बाद पुलिस ने उनके भाई का कल सुराग निकाला और उनकी हत्या कर लाश को सीतापुर फेंक दिया गया था। इस दौरान जो आरोपी से उन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और जब पूछताछ में पता चली कि ये सूदखोरी की मामले को लेकर ये हत्या की गई है। जी, डीके ठाकुर भी मिले हैं इस मामले में, उनका क्या कहना है? जी, सूरत की तरफ से कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें साफ तौर से कहा गया कि हमारे परिवार को बदनाम किया जा रहा है और पुलिस प्रशासन इस चीज को कर रही है। तो इसी मुद्दे को लेकर डीके ठाकुर अधिवक्ता के घर जाते हैं और उन्हें सांत्वना देते हैं और इन सब बातों पे उनको आश्वासन देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं किया गया है, जो मामला जांच गया उसी को सामने रखा गया है। जी,
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता विभांश जुड़े थे। मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन का खतरा, बड़ी खबर सामने आ रही है, नाइट कर्फ्यू किया क्या लागू। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा नाइट कर्फ्यू। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिया बयान, आवश्यकता हुई तो कुछ और उपाय हम जरूर करेंगे, सीएम शिवराज ने कहा। मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन का खतरा, नाइट कर्फ्यू किया गया लागू। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा नाइट कर्फ्यू, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिया बयान, आवश्यकता हुई तो कुछ और उपाय हम जरूर करेंगे। उन्नाव में जंगली जानवर के हमले में किसान घायल, खेतों पर रखवाली करने गए किसान पर हमला। किसानों को लखनऊ के ट्रामा सेंटर किया गया रेफर, किसान की मौत से दहशत में ग्रामीण। घटना की सूचना पर गांवों के पास पुलिस बल मौजूद, जानवर का पता लगाने पहुंची वन विभाग की टीम। और आज थाना क्षेत्र की बताई जा रही यह घटना। उन्नाव में जंगली जानवर के हमले में किसान घायल। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।